हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी स्टूडेंट्स के प्रमोशन के संबंध में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यदि आप यूपी डीएलएड 2018 बैच या यूपी डीएलएड 2019 बैच से बिलोंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। प्रमोशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे डीएलएड परीक्षाओं पर निर्णय जल्द। दोस्तों, यहाँ पर आपके प्रमोशन से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। आगे वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पर जानने के लिए मिलने वाला है। और आज की जो न्यूज़ है, ये आज दिनांक 22 जुलाई 2020 को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। लखनऊ डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। डीएलएड के हर सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाने का प्रशिक्षण होता है। आपके टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया, मार्च से स्कूलों में छुट्टी होने के कारण अभी तक ये प्रशिक्षण नहीं हो पाया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जो टीचिंग है वो नहीं हो पाई है। वहीं पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किस आधार पर औसत नंबर दिए जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर 2019 बैच के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये और ऐसे ही कुछ सवालों के कारण डीएलएड के लिए कमेटी गठित कर पास करने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और डीएलएड के स्टूडेंट्स को किस टाइप से प्रमोट किया जाएगा, बैक पेपर वालों को किस टाइप से प्रमोट किया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को किस टाइप से प्रमोट किया जाएगा, ये कमेटी उन सारी चीज़ों का यहाँ पर आंकलन करेगी। उसके बाद ही डीएलएड के स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही एससीईआरटी ने उच्च शिक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव मांगा है। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी से यहाँ पर प्रस्ताव मांगा है और पीएनपी ने प्रस्ताव भी यहाँ पर भेज दिया होगा शायद ही। और इसके साथ साथ लेकिन डीएलएड शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स है, लिहाजा इस पर निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। उच्च शिक्षा में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और बाकी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का आदेश जारी कर दिया गया। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया। डीएलएड के हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के रूप में स्कूलों में पढ़ाने के नंबर अलग से दिए जाते हैं, इसमें कैसे नंबर दिए जाएंगे? सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते होंगे आपके प्रमोशन से ही संबंधित बहुत बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में जानने के लिए आपको मिल गया होगा। और आपके जो प्रमोशन से संबंधित न्यूज़ है वो भी बहुत जल्द ही आने वाली है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। और दोस्तों, डीएलएड से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।